अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप है, और हम कहते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन, हाइट और कॉन्फिग्रेशन, इस चीज को इसको इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन और हाइट और कॉन्फिग्रेशन। इस कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले हम बताएंगे भाई ये पोजीशन वगैरह हाइट ये क्या होता है। देखिए, पोजीशन और हाइट, अगर मैं इस पोजीशन पर, इस हाइट पर इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं, इस पेन को रखता हूं, तो इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? देख लीजिए, हमने ये पेन पहले था कहां? ये नीचे था जमीन पर, तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमने इसको लिफ्ट कर दिया एक फोर्स अप्लाई करके इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग सम फोर्स। और वो फोर्स जो इसको ऊपर उठा रहा है वो कितना होगा? शाबाश भाई, कम से कम जो इस बॉडी का, इस पेन का वेट है, जो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वही तो इसका वेट है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वो मान लीजिए 3 न्यूटन है, जब तक मैं उस फोर्स का मुकाबला ना करूं, 3 न्यूटन फोर्स अपर डायरेक्शन में अप्लाई ना करूं, तब तक तो ये लिफ्ट नहीं हो जाएगा। अगर इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर है, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट एक ही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वो इस पर 3 न्यूटन है और मैं खाली 2 न्यूटन ऊपर की तरफ इसको खींच रहा हूं, तो क्या ये उठेगा? नहीं, क्योंकि इसका जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है। जो फोर्स इस पर है वो ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कम फोर्स है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, तो ये कहां उठेगा? इसको लिफ्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 न्यूटन तो देना ही देना होगा। अगर हम उससे ज्यादा देते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ के एक्सेलरेट होगा, लेकिन अगर हम 3 न्यूटन नहीं देंगे तो ये नहीं उठेगा। 3 न्यूटन कम से कम चाहिए इसको लिफ्ट करने में, इसको लिफ्ट करने के लिए। मतलब यह हुआ कि जब हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर उठाते हैं, हम कोई वर्क उस पर करते हैं, और वो वर्क होता है उस पर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो वर्क पॉजिटिव वर्क है विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट से हमने नेगेटिव वर्क किया। अब अगर हमने इसको यहां से ऊपर तक हम लेके आए, अप टू हाइट h, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर लेवल ग्राउंड है, यहां से हमने इसको उठाकर यहां पर रख दिया। कितना हाइट पर हम इसको लेके गए? हाइट h पर हम इसको लेके गए। मास इसकी कितनी है? इसकी मास m है। अब भाई ठीक है, अब जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो वर्क कितना हो रहा है? वर्क हो रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आपका फोर्स कर रहा है, फोर्स आपका कितना होना चाहिए? कम से कम आपका फोर्स होना चाहिए इसके वेट के बराबर, तो दैट इज एम इंटू जी, लिखूंगा मैं यहां पर एम जी। ये जो आपने यहां से यहां तक इसको लिफ्ट किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? एच के बराबर। तो कितना वर्क हो गया बॉडी पर? एम जी एच हो गया। अब आप इस बॉडी को जब यहां पर रख रहे हैं तो आपने इस पर कितना वर्क किया है? एम जी एच। तो वो वर्क इसमें स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। बेसिकली इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब शॉर्ट में हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। यहां पर याद रहे, अगर जी नहीं होगा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर आप स्पेस में चले गए, वहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर उठा दिया वगैरह, वहां जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपने कोई वर्क ही नहीं किया है, कोई वो वेट ही नहीं है, वेट तो वहां पर जीरो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लिहाजा आप वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते। आप वहां नहीं कह सकते हमने वर्क किया, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिर्फ तभी हो सकती है बात जब आप
ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गए तो फिर ये सारा है ही नहीं कुछ। तो अभी आप अंदर हैं तो जी है, मास तो है ही, एच भी है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन और हाइट, ये हमें समझ में आ गया। मगर फिर बात है कॉन्फिगरेशन, ये क्या मतलब होता है एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक स्पाइरल स्प्रिंग है और ये स्पाइरल स्प्रिंग ऐसा है, जब हमने ऐसे इसको रखा है तो ये बिल्कुल स्टेबल है, अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। मगर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक की लगाकर इसको वाइंड कर दिया। तो जब हम इस स्प्रिंग को वाइंड करेंगे तो क्या होगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन से चेंज होकर के ये आ जाएगी, ये टाइट हो गया, हमने टाइटली इसको वाइंड किया। आप बताइए अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या ये इस तरीके से स्टेबल रहेगा या ये खुद ही खुल के इस फॉर्म में आ जाएगा। सीधी सी बात है, जब आप इसको टाइट करके वाइंड करेंगे और इसको जब आप बहुत वाइंडिंग इसकी करेंगे तो इसको एक टर्न के ऊपर दूसरी टर्न, उसके ऊपर तीसरी टर्न आती रहेगी और ये बहुत इस स्टेट में आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में जब ये आ जाएगा बहुत टाइट होके, जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये अनवाइंड हो जाएगा, खुद ही खुल जाएगा, अनवाइंड होके इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मान लीजिए इस स्प्रिंग को आपने किसी खिलौने में रखा है, आपने क्या किया, आपने उस खिलौने को चाबी दे दी, तो चाबी से क्या हो गया, ये स्प्रिंग टाइट हो गया। अब आपने उस खिलौने को नीचे छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या होने लगा, अनवाइंड। जब स्प्रिंग अनवाइंड होने लगा तो इसमें मोशन आ गई, ये मूव हो गया, इसमें एक मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस हो गई, वो मैकेनिकल मोशन उस खिलौने के व्हील्स को मिली और नतीजा वो गाड़ी, वो खिलौना, वो टॉय कार जो भी थी, तो इस जितना ये अनवाइंड हो रहा है उतना ही व्हील्स उसके घूम रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। अब बताइए क्या हो गया, वो यहां से वहां गया, यहां से वहां गया, वो तो डिस्प्लेस हो गया। जब वो डिस्प्लेस हो गया तो उसने वर्क किया, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब वो मोशन में है। तो भाई ये आई कहाँ से, भाई आपने तो इसको उठाया नहीं था, आपने कोई वर्क इस पर नहीं किया था, तो आपने यहां पर जो ये चाबी दी थी जिसकी वजह से आपने इस स्प्रिंग को वाइंड किया था, टाइटन किया था, तो फिर जब आपने इसको छोड़ दिया था इसमें, इसका मतलब जो आपने इसको चाबी दे के टाइट किया था, वाइंड किया था, वो एनर्जी, वो वर्क हो गया था इस पर और इसमें वो एनर्जी स्टोर हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और फिर वो ट्रांसफर हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द टॉय। आपने उठाया नहीं तो इट इज नॉट एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी ड्यू टू पोजिशन और हाइट। यहां आपने ग्रेविटी के खिलाफ इसको नहीं उठाया, आपने क्या किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। देखिए पहले ये कॉन्फ़िगरेशन थी फिर ये कॉन्फ़िगरेशन थी। तो जब आप किसी बॉडी को कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज करवाते हैं किसी फोर्स से तो उस पर भी वर्क होता है और वो वर्क भी उसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिहाजा हम कहते हैं एनर्जी पोजेसिड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन और हाइट और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर एक्सप्रेशन आ जाता है एम जी एच। ऐसे स्प्रिंग्स में अगर हमें इस एनर्जी को मेजर करना होगा तो हमें स्प्रिंग्स के लिए इसको अलग से डिराइव करना पड़ता है, वो भी इसमें आ जाएगा एक स्प्रिंग के लिए, लेकिन वो शायद ये इसमें स्पाइरल स्प्रिंग के लिए नहीं आएगा, एक हेलिकेलड लॉन्ग स्प्रिंग के लिए आ जाएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है। हाँ, तो ये बात थी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है और वो क्या है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपने देखा कि एक रिलेशन बनता है वर्क का और एनर्जी का, किसी बॉडी पर आप वर्क करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, किसी बॉडी पर आप वर्क करते हैं तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। तो हमें क्या बनता है, हमें हमारे पास क्या बनता है, वर्क एनर्जी एक की जो ये रिलेशनशिप बनती है वर्क और एनर्जी में, इसको हम एक थ्योरम के मदद से एक्सप्लेन करते हैं और इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं उस थ्योरम की मदद से, और उस थ्योरम को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो थ्योरम क्या है।
वर्क एनर्जी थर्म वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाट इज दिस। ये थ्योरम हमें बताती हैं, सिंपल लफ्जों में मैं पहले बताऊंगा, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपल ये मैं कहता है कि अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और उस फोर्स की वजह से एक वर्क हो जाता है उस बॉडी में, तो वो वर्क किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, उसमें वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी या तो पहले बॉडी रुकी हुई होगी, अब वो मोशन में आएगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गई, या फिर आपने फोर्स अप्लाई किया तो पहले ही बॉडी मूव कर रही थी, अब आपने फोर्स अप्लाई किया और तेजी से भागने लगी तो और उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गई। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स वर्क करता है, तो वो वर्क किसके बराबर होता है? वो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस फोर्स की वजह से जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, शाबाश, उतना ही वर्क हो गया। तो ये वर्क को मेजर करने का फिर दूसरा तरीका आ गया ना। पहले आप वर्क को कैसे मेजर करते थे? एफ एस कॉस थीटा। अब वेरिएबल फोर्स होगा तो आप कर्व ड्रॉ करते हैं और एरिया ऑफ अंडर दैट कर्व निकालते हैं। मगर अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आपके वर्क से, आपके फोर्स से काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई। जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गई, उतना ही आपने वर्क किया है। वही आपको बताती है ये थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि आप मेजर कीजिए कि आपके फोर्स की वजह से कितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आ गया है, और जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, उतना ही वर्क हो गया है उस फोर्स की वजह से। तो क्या बन गई थ्योरम फिर? दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, मास है m, वेलोसिटी है u, बॉडी यहां तक आ गई, मास यहां भी रहेगी m ही, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी रहेगी v, काइनेटिक डिस्प्लेसमेंट यहां पर है सपोज s, फोर्स आपने अप्लाई किया था f, इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है भाई, तो जरा देखते हैं वर्क किसके बराबर होगा। वर्क होगा, शाबाश, किसके बराबर? अगर मैं इस तरह से लू, यहां से यहां तक आपने जो, जब हम मानेंगे कि ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गई इस बॉडी की, छोटी डिस्प्लेसमेंट ds, तो ds के लिए जो वर्क हो गया वो कितना हो गया? dw। वो वर्क किसके बराबर होगा? f इंटू ds। और ये f किसके बराबर है? ये f है, शाबाश, मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू क्या लिखेंगे? इंटू ds। फिर आप लिखेंगे dw इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन के बदले आप क्या लिख सकते हैं? dv डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंटू ds। dw इज इक्वल टू वॉट? दिस ds बाई dt, इट इज v, पहले भी कर चुके हैं, v इंटू वॉट? dv। ये छोटा सा वर्क यहां से यहां तक, लेकिन बॉडी भी है पोजिशन a से पोजिशन b तक, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा आप w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m v dv विद इन द लिमिट्स, शाबाश, वेलोसिटी के लिमिट्स क्या रहेंगे? u टू v। यहां पर वेलोसिटी मान लीजिए पहले ही u थी, अभी जीरो नहीं मानेंगे, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी v। तो बॉडी चली गई यहां से यहां तक, टोटल वर्क हो गया इंटीग्रेशन ऑफ m v dv लेकिन विद इन द लिमिट्स u टू v। तो w इज इक्वल टू m बाहर, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिमिट इज यू टू वी, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम। अब v जो है इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, पावर प्लस वन डिवाइड बाई पावर प्लस वन, क्या आएगा? v स्क्वायर डिवाइड बाई टू, लिमिट इज यू टू वी। मैं यहां रब करूंगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा w इज इक्वल टू, शाबाश, m बाई टू इंटू वी स्क्वायर एंड द लिमिट इज आर यू टू वी। अब w इज इक्वल टू, शाबाश, वन हाफ ऑफ m इंटू, यहां लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट इज v स्क्वायर माइनस इस v के बदले लोअर लिमिट u
also kept. Then what is this? This is W is equal to, shabash, 1 half of mv square minus 1 half of mu square. Now what is this? This is kinetic energy at point B, final kinetic energy. And this is what? Initial kinetic energy. Kinetic energy at point A. So this is change in kinetic energy, final minus initial, change. So aap kya likhenge yahan par? Work done here is, shabash, change in kinetic energy, final kinetic energy F, minus initial kinetic energy, that means kinetic energy I. Or you may write that the work done on this body, that is W, is equal to change in kinetic energy. Aap change in kinetic energy ko लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. कैसे? शाबाश, आप इसको डिनोट कर सकते हैं डेल्टा के ई, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरीके से हम, शाबाश, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अच्छा. अब यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन इसमें करना चाहूंगा. अगर मान लीजिए u इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, इफ u इज इक्वल टू v, ये आपने कॉपी किया होगा, मैं यहां पर रब करूंगा. इफ u इज इक्वल टू v, क्या बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है? नो, क्योंकि इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, दोनों बराबर. तो जब ऐसा होगा तो बताइए ये वर्क किसके बराबर होगा? ये होगा W इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. क्यों? वही यू के बदले भी तो वी ही लिख सकते हैं ना यहां पर. फिर तो ये क्या बनेगा? जीरो. तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, जब बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है और वर्क जीरो हो जाता है. क्यों वर्क जीरो होता है? क्योंकि भाई यहां पर वर्क होता ही है किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई. जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जब किसी बॉडी की चेंज नहीं हो रही हो तो उस पर कोई वर्क नहीं होता है. अब इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं. अगर आपके पास एक सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल है, इफ ए पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो दूसरी बात है, लेकिन स्पीड यहां पर चेंज नहीं हो रही है. जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो क्या लिखेंगे? यू इज इक्वल टू वी. तो व्हेन स्पीड डज नॉट चेंज तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जीरो, तो वर्क डन जीरो. तो दैट मींस जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है, हम ये कह सकते हैं कि उस पर जीरो वर्क होता है. एक तो मैंने तरीका बताया था, क्योंकि इसका सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होता है, उस वजह से भी वर्क हम कह सकते हैं कि जीरो है. लेकिन यहां हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझ सकते हैं. क्या समझ सकते हैं भाई? हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो हम कह सकते हैं उसका वर्क जीरो है. क्यों? क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या है, उसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वर्क जो है वो जीरो होगा. ठीक है, इसी तरह से वर्क डन बाय फोर्स, कभी किसी फोर्स की वजह से जब हम वर्क करते हैं वो नेगेटिव वर्क हो सकता है तब जब उस बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी. देखिए, जब आपको नेगेटिव वर्क भी ढूंढना हो तो आप नेगेटिव वर्क कब आएगा? देख लीजिए, आपका W किसके बराबर आ गया था? वो आ गया था वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस वन हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर. अब मान लीजिए V जो है ये कम है, यानी फाइनल स्पीड बॉडी की कम है. ठीक है, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उससे स्पीड डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हो गई. बॉडी वहां से आ रही थी, आपने यहां से फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड डिक्रीज, तो स्पीड डिक्रीज हो गई. इनिशियल स्पीड ज्यादा थी
तो यहां काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कम होगी, यहां इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इफ वी इज ग्रेटर देन यू, अगर वी ज्यादा है किससे, यू से, तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया था उसका वर्क आएगा नेगेटिव, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा उस वक्त नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वर्क आपको पहचानना हो, आप यहां पर नेगेटिव वर्क को पहचान सकते हैं क्या भाई? नॉट वी, इफ वी इज, सॉरी, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन। तो जब आप नेगेटिव वर्क को, यानी ये वी ही कम है और यू ज्यादा है, तो वी कम हो गया, फाइनल स्पीड जो बॉडी की है वो कम है, तो क्या इनिशियल स्पीड से तो फाइनल स्पीड कम है, तो इसका मतलब जब यहां पर आप देखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क यहां पर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जब आपने ऐसा फोर्स अप्लाई किया हो जिसकी वजह से एक बॉडी की स्पीड इंक्रीज ना हो रही हो बल्कि डिक्रीज ही हो रही हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, स्पीड डिक्रीज हो रही है आपके फोर्स से, तब वर्क जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तब उसका वर्क है नेगेटिव वर्क। ठीक है, और इसी तरह से अगर वी ज्यादा है, इफ वी इज ग्रेटर देन व्हाट, यू, यानी आपने जो फोर्स अप्लाई किया उससे स्पीड बॉडी की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क हम पहले पढ़ चुके हैं, एक हमने वीडियो इसमें दे दिया है, लेकिन यहां वर्क एनर्जी थ्योरम के हवाले से भी हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या हम इस तरह से कहेंगे, इफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज लेसर देन इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिक्रीज इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, एंड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इंक्रीज इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, देखिए, अगर आप एक टॉप बिल्डिंग से, यहां से मान लीजिए स्पैन को मैं छोड़ रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो वर्क इस पर पॉजिटिव होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क नीचे गिरते वक्त, इस पेन के लिए नीचे गिरते वक्त इस पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसकी स्पीड इंक्रीज की, डिक्रीज नहीं। यहां पर ये रेस्ट में था, जब हमने छोड़ दिया तो ये नीचे चला गया, जितना नीचे जाएगा उतनी इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड इसकी तभी होगी जब ये अर्थ तक पहुंच जाएगा, इट विल हिट द अर्थ विद द मैक्सिमम स्पीड। और यहां फोर्स ने, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, सो दैट मींस यहां पर क्या हो गया, यहां पर वी फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन द इनिशियल स्पीड, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक, एक और छोटी सी चीज है जो मैं इसी वीडियो में करना चाहूंगा, बस 2 मिनट हमें लगेंगे उसमें। एक कभी कभी आ जाता है इसमें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंट, पूछा जाता है कभी कभी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv². रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v² / m। अब मैंने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, यहां डिवाइड भी m से किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एम और आप हमने लगा दिया, तो ये बन गया एम स्क्वायर ऊपर, लेकिन नीचे एम, अगर ये इसको कैंसिल करेंगे वापस हमें वही मिलेगा। आप जानते हैं मास, ये एम इंटू वी जो है ये क्या है, व्हाट इज एम इंटू वी, एम इंटू वी इज मोमेंटम, सो वी कैन राइट मोमेंटम, और स्क्वायर है उसके ऊपर, सो वी कैन राइट पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ठीक है भाई, तो ये एक रिलेशन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के दरमियान। आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का ये 1/2 तो कांस्टेंट है ही, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है, अक्सर मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज हो जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सपोज अगर 1/2 m को हम कांस्टेंट माने, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कांस्टेंट के पी स्क्वायर। ये के क्या है, वर के इज 1/2 m कांस्टेंट। तो क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी स्क्वायर। अगर इस कॉन्स्टेंट को हम ओमिट करें तो ये इक्वलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी में, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर मोमेंटम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई स्क्वायर ऑफ इट।
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। आप मोमेंटम को जो जितना इंक्रीज करते हैं उसके स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है अगर बॉडी की मास आप कॉन्स्टेंट रखते हो, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी विल वेरी विद मोमेंटम एज स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे इस पर हम